जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली सुपरफास्ट गाड़ी की यानी मद्रास एक्सप्रेस की। इस वीडियो में इस ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी को आज हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। ट्रेन नंबर 22159 मद्रास एक्सप्रेस जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल तक जाती है। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 1921 को जो कि एक मेल एक्सप्रेस थी। 1 जुलाई 2020 को इसे सुपरफास्ट ट्रेन में बदल दिया गया। यह ट्रेन 4 राज्यों से होती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन मुंबई CSMT से MGR चेन्नई सेंट्रल तक की यात्रा 1280 किलोमीटर को कवर करती है लगभग 22 घंटे में। इस दौरान यह ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और यह ट्रेन प्रतिदिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो रोजाना मुंबई CSMT से खुलकर अगले दिन चेन्नई सेंट्रल में पहुंचती है। बीच में यह ट्रेन 28 स्टेशनों पर अपना होल्ट लेती है और यह एक सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है जो कि अमृतसर मुंबई CSMT ट्रेन के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो फिलहाल तो इसमें ICF कैटेगरी के 18 कोच चलते हैं जिसमें एक कोच AC 2 टायर का रहता है जिसका CSMT से चेन्नई सेंट्रल तक का किराया रहता है 2225 रुपए। 4 इसमें AC 3 टायर के कोच रहते हैं जिसका किराया रहता है 1560 रुपए। 8 इसमें स्लीपर क्लास के कोच रहते हैं जिसका किराया रहता है 590 रुपए। 2 इसमें सामान्य जनरल क्लास के कोच रहते हैं जिसका किराया रहता है 315 रुपए के आसपास का और 1 इसमें रेलवे का मेल सर्विस कोच भी रहता है। यह किराया दोस्तों मुंबई CSMT से MGR चेन्नई सेंट्रल तक का बताया गया है जिसमें सभी चार्जेस शामिल हैं, परंतु यात्रा से पहले इसे जांचना भी आवश्यक है। भोजन संबंधी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान ईरोड लोको शेड का या फिर विजयवाड़ा लोको शेड का या फिर एराकोणम लोको शेड का Web 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस मद्रास एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली मद्रास एक्सप्रेस रोजाना दोपहर 12:45 पर मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से रवाना होती है। और दोस्तों मुंबई CSMT से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है दादर सेंट्रल। दोपहर के 12:52 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 12:55 पर यह ट्रेन दादर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ठाणे दोपहर के 1:18 पर और 1:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कल्याण जंक्शन दोपहर के 1:37 पर और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 1:40 पर यह ट्रेन कल्याण जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है करजत जंक्शन दोपहर के 2:20 पर और 2:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन में बैकर अटैच होते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लोनावला दोपहर के 3:08 पर और 3:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन में लगे बैंकर डिटेच भी होते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खड़की दोपहर के 3:54 पर और 3:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है पुणे जंक्शन। शाम के 4:20 पर यह ट्रेन पहुंचती है पुणे जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:25 पर यह ट्रेन पुणे जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दौंड जंक्शन।
शाम के 5:30 पर और 5:35 पर यह ट्रेन दौंड जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कुरुडूवाड़ी जंक्शन शाम के 6:53 पर और 6:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोलापुर शाम के 7:55 पर और करीबन 5 मिनट रहने के बाद रात के 8 बजे यह ट्रेन सोलापुर से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 455 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका के कलबुर्गी जंक्शन में रात के 9:22 पर और 9:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वाड़ी जंक्शन रात के 10:30 पर और 10:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है यादगिर रात के 11:04 पर और 11:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायचूर जंक्शन रात के 12:03 पर और 12:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम रोड में रात के 12:29 पर और 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है आडोनी रात के 12:59 पर और रात के 1 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुंतकल जंक्शन रात के 2:05 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 2:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुट्टी जंक्शन रात के 2:49 पर और 2:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ताड़ीपत्री रात के 3:34 पर और 3:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है यरंगगुटला जंक्शन सुबह के 4:34 पर और 4:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कड़प्पा सुबह के 5:03 पर और 5:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 909 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजमपेटा सुबह के 5:59 पर और सुबह के 6 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रेणीगुंटा जंक्शन सुबह के 7:40 पर और 7:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पुतूर सुबह के 8:08 पर और 8:10 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है तमिलनाडु के तिरुतणी में सुबह के 8:43 पर और 8:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अरकोणम जंक्शन सुबह के 9:03 पर और 9:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है तिरुवल्लूर सुबह के 9:33 पर और 9:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पेरम्बूर सुबह के 10:03 पर और 10:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है MGR चेन्नई सेंट्रल। सुबह के 10:45 पर यह ट्रेन पहुंचती है चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1280 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली मद्रास एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।